अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका 27 जनवरी कैसा रहेगा, दिन सोमवार कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुरज हमल। कारोबारी लिहाज से कुछ मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से मुंसलिक अफराद को अपने तजर्बात को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। माली लिहाज से कुछ दलाइल आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। आपको कर्ज लेने से परहेज करना चाहिए। आपके माली मामला तवाजन में रहेंगे। सेहत के हवाले से आपके लिए बेहतरीन दिन साबित हो सकता है। अपनी जिंदगी से मनफी आदतों को खास तौर पर निकालने का मशवरा दिया जाता है। आपको आला किस्म की रूहानी तरबियत की जरूरत है। आपके मिजाज के हवाले से आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है। बुरज सौर। आपकी जिंदगी में नई तब्दीलियां वाजिया है, लेकिन दूसरों को अपनी मुहरकात से बिल्कुल भी परेशान करने का सबब ना बने। अल्लाह पर भरोसा रखें और तब ही आप सुकून हासिल कर सकते हैं। मोहब्बत के मामलात में आप खास शख्स से मुलाकात करेंगे। कारोबारी लिहाज से आपकी सलाहियतें एक खास सिमत में आगे बढ़ने में मदद फराहम करेंगी। नई जॉब के लिए अप्लाई करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको जिन भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था इंशाल्लाह खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। बुरज जौजा। आज के दिन आपको अपने अल्फाज के बारे में मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। अपने मिजाज को कंट्रोल में रखें, तब ही जहनी तनाव से खुद को बाहर निकाल पाएंगे। कारोबारी जिंदगी में आपने जो भी ख्वाबों की दुनिया सजाई है, इनमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हकीकी इकदामात ही करें, ये ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। माली लिहाज से आपके लिए नए मौके फराहम किए जाएंगे। सेहत के हवाले से दिमाग से मुंसलिक पेचीदगियां सामने आ सकती है, मोहतात रहें। बुरज सरतान। मीडिया और आर्ट्स के मुतल्लक काम करने वाले अफराद के लिए फायदेमंद दिन साबित हो सकता है। आपके तल्लुकात पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और इस्तराब आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दील होता रहेगा। आपके पास बहुत से मंसूबे हैं जिनको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से आप मौकों से फायदा नहीं उठा पाते। मोहब्बत के मामलात में आज आपको तवज्जो देने की जरूरत है। जाती तौर पर कुछ मामलात को करने में आपको मदद फराहम की जा सकती है। सेहत के हवाले से आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। कहीं ना कहीं अपनी सेहत की वजह से आप इस्तराब में मुब्तला हो सकते हैं, मोहतात रहें। यही इस्तराबी जाती और निजी जिंदगी में वाजिया तौर पर महसूस की जाएगी। बुरज असद। इस बुरज से मुंसलिक अफराद अपने वजदान पर भरोसा रखें और अंदरूनी अजायम को मजबूत बनाएं। मोहब्बत के
معاملات میں آپ کے تعلقات لمبے عرصے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کاروباری زندگی میں پیشے ورانہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ارد گرد موجود لوگوں کو متاثر کرنا آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن آپ ابھی ان سب سے ناواقف ہیں۔ خود کو پہچانے، آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس کے بارے میں کرنا چاہیے، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ برج سنبھلا، آپ کو غیر متوقع طور پر فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں بالکل بھی مایوس نہ ہوں، قدرت آپ کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتی۔ کاروباری لحاظ سے اپنے کام کو فروغ دینا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کے مستقل نظریات کافی زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ مالی لحاظ سے آپ کی موجودہ پوزیشن بہتر بن سکے گی۔ جو بھی سرمایہ کاری آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں خطرات تو نہیں ہیں، لیکن صحیح وقت پر صحیح عمل آپ کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے آج کے دن اپنے نظریات اور ذمہ داریوں کو بالکل بھی نظر انداز نہ کریں۔ برج میزان، محبت کے معاملات میں آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے۔ کاروباری لحاظ سے ساتھیوں کی جانب سے آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں میں تھوڑا اضافہ ہوگا، اگر آپ ذمہ داریوں سے کام لیں تو پیچیدہ معاملات سے خود کو بچا سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ معاملات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، آپ کے حالات میں یقینی طور پر تبدیلی آئے گی۔ ذہنی طور پر آپ کافی زیادہ مضبوط ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ برج عقرب، آج کے دن اتنی ہی زیادہ شہرت حاصل کریں گے جو آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ آپ کی ٹینشن میں اضافہ کرنے کا باعث بھی بنے گی۔ آپ کی توانائی آپ کے معاملات میں کافی زیادہ ساتھ دے گی، لیکن دوستوں کی جانب سے آپ کی مدد بھی کی جائے گی۔ محبت کے معاملات میں آپ کی زندگی میں کافی سارے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ جو لوگ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کو بہتر وقت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میڈیکل میں جانے والے افراد کو اپنی تمام امیدیں انٹرویو پر نہیں رکھنی چاہیے۔ مالی لحاظ سے آپ کو بہت سے پیشے ورانہ موقع فراہم ہو سکتے ہیں۔ برج کوس، اپنی معاشی صورتحال میں آپ تھوڑے سرکش ہو سکتے ہیں، اپنے توازن کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ محبت کے معاملات میں آپ کے لیے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کاروباری لحاظ سے آپ کو آسان اور راستوں کا تعین کرنا پڑے گا۔ بزنس کے حوالے سے خود کو سیاسی طور پر کافی زیادہ محسوس کریں گے، لیکن سیاست کو اپنی زندگی سے دور رکھیں۔ مالی لحاظ میں آپ توازن میں رہیں گے۔ اس برج سے منسلک افراد کو اپنے بجٹ کا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں سے بہتر سرمایہ کاری کرنے کے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ برج جدی، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے آج اس برج سے منسلک افراد کو
काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। जब हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो एक लंबी तफसील सामने आती है और हजारों ख्वाब भी सामने आते हैं। मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा और कैसा लगूंगा, ये तमाम चीज़ें आपकी हद से बाहर और अमली तौर पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जहाँ तक मुमकिन हो हकीकत के करीब रहें। जिंदगी की बुनियादें आपको आगे ले जाएंगी, कामयाबी आपके रास्तों को हमवार करेगी। मोहब्बत के मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा मुस्तरब रहेंगे। कारोबारी लिहाज से आपको चंद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जो भी मकासद हैं इनके लिए बहुत कम वक्त है, लिहाजा इर्द गिर्द के मामलों में वक्त ज़ाया ना करें। बुरज दिलू, मोहब्बत के मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आज के दिन साथी के साथ कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, साथी के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। कारोबारी लिहाज से आज का दिन मुश्किलात से पाक होगा। आप मुकम्मल तौर पर अपने मुस्तकबिल पर फोकस करते हैं और आपकी परेशानियों में भी कमी आने के सबब हैं। आज आप छोटी-छोटी तफसीलात के बारे में भी घबराएंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमली तौर पर हकीकी नज़रियात को फ़रोग देने के काफ़ी मौके मिलेंगे। हम आहंगी आपके लिए कामयाबी का बाइस बन सकती है। बुरज हौत, तलाक याफ्ता अफराद के लिए दिलचस्प मामला सामने आ सकते हैं। निजी ज़िंदगी में इस बुरज से मुंसलिक अफराद को सब्र व तहम्मल से काम लेने का मशवरा दिया जाता है। अपने कैरियर को बनाएं और हासिल करने के लिए आप पूरी वफादारी के साथ काम करेंगे। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले अफराद के लिए आज का दिन फायदेमंद साबित हो सकता है। एतदाल के साथ जब आप अपनी ज़िंदगी को फ़रोग देंगे तो आपके लिए तमाम मामलात आसान हो जाएंगे। बड़े और छोटे दोनों तरीकों से आप चीज़ों को फ़रोग देने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नए आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्ट्रो की लिंक को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।